नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है 5 की आज का। मैं हूं अपर्णा मौजूम। आज बात पेपर लीक पर नए कानून की। मोहन सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। उधर आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को दो टूक कहा है। गौवंश तस्करी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। उधर बारिश के बाद दिल्ली से मध्य प्रदेश तक शहर पानी पानी हो गए हैं। साथ ही अब मौसमी बीमारियों ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भर्ती परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। सरकार ने नए कानून के परीक्षण के लिए विधि विभाग को ड्राफ्ट भेजा है। प्रदेश सरकार इसी मॉनसून सत्र में इस कानून को लाने की तैयारी में है। उससे पहले अध्यादेश के जरिए कानून लागू करने की तैयारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जहां से गंगा बहती है पानी वहीं से साफ करना चाहिए। पेपर लीक मामले में मध्य प्रदेश सरकार अब सख्त कानून लाने की तैयारी में है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर विधि विभाग के पास भेजा गया है। देखिए, जननायक मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शिता वाली सरकार है, और कोई भी अगर छात्रों के हिस्से खिलवाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा, यह निर्णय जो माननीय मोहन यादव जी ने लिया है कि उसमें प्रावधान जो रखे हैं 1 करोड़ तक का जुर्माना, 10 लाख की 10 साल तक की सजा, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। चलिए आपको बताते हैं सरकार पेपर लीक को लेकर जो कानून लाने जा रही है उसमें क्या क्या होगा। पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान, परीक्षा में गड़बड़ी गैर जमानती होगी, आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, परीक्षा में होने वाला खर्च वसूला जाएगा, गंभीर अपराधों में आएंगे पेपर लीक मामले। प्रदेश में पेपर लीक पर बन रहे कानून को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि नर्सिंग कॉलेज के नियम भी बनाए गए थे लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार भविष्य की बातें नहीं कह रहे, जो घोटाले हैं जिनके कारण अवैध कॉलेज खुले जा रहे, अनसुटेबल कॉलेज, वो फिर आप उन्हीं से पैसे लेके आप धंधा कर रहे हो, इतने सालों से कॉलेज चला रहे हो, तो इन पे क्या कानून ला रही है सरकार? क्या मंत्री को बर्खास्त करेगी? क्या मंत्री पे 1 करोड़ का जुर्माना करेगी? क्या मंत्री को 10 साल के लिए जेल भेजेगी? एक कानून बनाना एक बकवास है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहाँ से गंगा बहती है सबसे पहले वहाँ पर आपको वहाँ का पानी साफ करना पड़ेगा। सरकार पेपर लीक कानून को अध्यादेश के जरिए लागू करेगी। कानून में लोगों और संस्थाओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पेपर लीक की जांच SIT बनाकर करवाई जा सकती है। अब देखना होगा नया कानून पेपर लीक पर कितना कारगर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। वही आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली का विवाद बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को ऑनलाइन चेक पोस्ट नियम लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीओ बैरियर पर गुजरात मॉडल की तर्ज पर ऑनलाइन चेक पोस्ट नियम लागू करें। अवैध वसूली की वजह से मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है। गुजरात में साल 2019 से 17 चेक पोस्ट खत्म किए गए। चेक पोस्ट की जगह पर 58 चेक पॉइंट्स बनाए गए, जहां अधिकारी 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं। हर चेक पॉइंट पर एक अधिकारी के साथ गार्ड और ड्राइवर रहता है। इस व्यवस्था में बॉडी वॉर्न कैमरा, स्पीड गन, रडार गन और इंटरसेप्टर जैसे उपकरण होते हैं। MP के अधिकारी इस व्यवस्था का अध्ययन कर इसे लागू करने की कवायद में जुटे हैं। प्रदेश के अंदर मेरी जो जानकारी है, शिवराज सरकार के समय नितिन गडकरी जी द्वारा टोल बंद करने का सरकार को निर्देश भी दिए थे। क्यों नहीं बंद हुए? इसका मतलब सीधे सीधे आपको घोटाले करने थे, अवैध वसूली करनी थी। अगर ये महीने का अगर 100-500 हजार करोड़ रुपये इकट्ठे हो रहे तो किसकी जेब में जा रहे? उधर इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में इस तरह के काम होते थे। टोल टैक्स व्यवस्था को लेकर CM ने जो फैसले लिए हैं वो निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। अधिकारियों को भी इसको लेकर
चेताया गया है। 0% टॉलरेंस को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जो भी अच्छे से अच्छे कदम होंगे, पारदर्शिता होंगे, वो वाले कदम उठाने मोहन सरकार वो कदम उठाएगी। और आप देखेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके जो ये निर्णय लिया है कि टोल टैक्स की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर उनको चेतावनी दी, निश्चित रूप से वो कारगर साबित होगी। रायसेन जिले में रेत का अवैध खनन धरने से जारी है, जिसे देखते हुए एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने रेत खदानों पर छापा मारा। छापे की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद रेत माफिया अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस की टीम ने जब्त कर लिया। नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन करने वाले खनन माफिया से ग्रामीण भी परेशान है। गाँव वालों का कहना है कि रेत माफिया की वजह से महिलाओं का नर्मदा नदी में जाना मुश्किल हो गया है। रेत माफिया गांव की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अवैध रेत खनन को लेकर नाराजगी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। लेडीज नहाने आती हैं तो कहते हैं कि हमारा राज्य है, हम अलीगंज से निकल कर बताए सिमली वाले। ये कौन कहता है? ये लोग कहते हैं दारू पी के रेत उठा रहे, कह रहे अब हम तो गरीब आदमी और गाँव से निकल रहे हैं। अब प्रशासन जाने क्या करता है, प्रशासन ने कई बार शिकायत कर चुके, साहब बदान आए थे तो 3 बजे को हमें बुलाए, दो 1:30 बजे एसडीएम साहब हमें बुला कर निकल गए। लगभग कितनी ट्रालियां चलती हैं? ट्राली कम से कम 25-30 ट्राली प्रतिदिन चलती हैं। जी ये परेशानी की इधर पे महिलाएं लोग नहा भी नहीं जा पाती। किस वजह से? ये ट्राली वालों की वजह से रेत भर भर के ले जा रहे हैं लोग, गाली गलौज बकते हैं और भरते हैं इधर वाहनों की वजह। अच्छा अधिकारी आते हैं यहाँ से बात करने के? अधिकारी कहाँ से आएंगे, आते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ ट्रैक्टर्स अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब, टीआई साहब और संपूर्ण दल के साथ आकर देखा तो 2 ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए थे। तो गांव वालों के सहयोग से उनके ट्रैक्टर ले करके भरे हुए रेता के जो ट्रॉली है उन्हें थाने की ओर ले जा रहे हैं। एक ट्रैक्टर रवाना हो गया, दूसरा रवाना। खरगोन में अवैध रेत खनन को लेकर गाँव वालों में गुस्सा देखने को मिला है। नाराज गाँव वालों ने रेत लेकर जा रहे एक डंपर को रोक दिया। गांव वालों का आरोप है कि बड़वाह जनपद के सेमरला गांव में अवैध रेत खनन के चलते भारी वाहन चल रहे हैं, जिससे रास्ता खराब हो गया है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर गांव वाले पहले भी अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। शिकायत के बाद भी अवैध रेत का खनन जारी है। पुलिया इतना बड़ा नहीं है, ग्रामीण सड़क है, पूरा उखड़ चुका है, पूरा जमीन में धस रहा है। अभी बरसात में तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे, महिलाओं को डिलीवरी होती है तो वहाँ गाड़ी कहाँ से आएगी, और किसान अपनी फसल कैसे बेचने जाएंगे, और कोई सुन। बैतूल शहर में शांति भंग करने वाले बदमाशों का पुलिस से जुलूस निकाला। पुलिस बदमाशों को लेकर पैदल शहर में घुमाते हुए कोर्ट पहुंची। सदर इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बदमाश खुलेआम हथियार लेकर घूमते नजर आए। मारपीट करने वाले दोनों ही पक्षों में अद्यतन अपराधी शामिल थे, जो पुरानी रंजिश को लेकर एक दुकान के सामने आपस में भिड़ गए थे। बदमाशों के पास अवैध हथियार भी थे। मारपीट का वीडियो सामने आते ही कोतवाली पुलिस ने बदमाशों की पहचान की और उनमें से 3 को अरेस्ट कर लिया। बदमाशों के पास से हथियार भी मिले हैं। कल शाम को इटारसी रोड पर कुछ लड़के लोग आपस में विवाद करके भिड़ गए थे, उनके पास कुछ हथियार वगैरह भी देखे गए थे, जिसका वीडियो भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला था। जानकारी हमारे को भी प्राप्त हुई। इन लोग सबको जो है पूछताछ के लिए लेके आए, और कुछ लोगों जो फरार थे घटना के बाद से, कल की घटना शांति भंग करके, उन लोग कुछ तो देखा तो उनके पास वो जो हथियार जो देखे गए थे वो हथियार मिले, तो उसमें सबके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। सीहोर जिले में मारपीट की शिकायत दर्ज कराने जावर थाने पहुंचे एक शख्स की थाने में ही तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कन्याखेड़ी गांव के बलवान सिंह नाम का ये शख्स थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था, जहां पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी और उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। थाने में लापरवाही का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने अब 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। और आगामी जो भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आगामी कार्रवाई की जा रही है।